हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक बेहतरीन वीडियो। लेकिन ये जो वीडियोस आपको हम कंटिन्यूस दे रहे हैं, ये है न्यू बैच के वीडियोस। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। तो सारे के सारे जो नए वीडियोस जो बन रहे हैं, वो सारे न्यू बैच के वीडियोस है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ताकि आपकी क्वालिटीज और बेटर किया जाए। लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी पहले के वीडियोस है जो हमने व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्ड किए थे, उसमें पूरा सिलेबस पहले से हमने पढ़ा रखा है। मतलब अगर आप 7th के बच्चे हो तो पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वो की बहुत सारी चीजें हमारे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप जरूर से उन वीडियोस को देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। साथ ही में न्यू बैच को भी, न्यू वीडियोस को भी जरूर से सपोर्ट करना। बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, रात रात को आके रुक के रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस में आके, ताकि ये वीडियोस आपके लिए टाइम पे मिल सके। प्लीज शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बता देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आज आप समझ जाओगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में 8th में, 9th में, 10th में जब जाओगे, तो आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में आज जब आप सीखोगे तो आगे ये यूज होने वाले हैं। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 32 की बात करेंगे। वैसे 3-4 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। एक लेक्चर के अंदर एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट वाले हैं, तो आप बने रहो हमारे साथ। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है, जो कि है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कभी भी आप देखोगे तो कोई एक नंबर आपके पास है। जैसे मान लो कि कोई एक नंबर है, लेट सपोज 3, ठीक है, एक नंबर है। और अगर उस नंबर के साथ कोई वेरिएबल जुड़ जाए, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, डी, ए से लेके जेड तक के जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं अल्फाबेट्स। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं। तो अगर कोई नंबर है और उसके साथ कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेट सपोज मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये जो 3x जो है, ये क्या कहलाएगा? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो कैसे भी टाइप के हो सकते हैं। वो सिंगल भी हो सकता है, वो दो टर्म्स के हो सकते हैं, वो 3 टर्म वाले हो सकते हैं, वो 4 टर्म वाले हो सकते हैं, 5 टर्म वाले हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये बेचारा अकेला है 3x, तो ये एक सिंगल टर्म कहलाएगा। वही अगर मैं इसके साथ 3x प्लस 4y कर दूं, तो ये एक टर्म, दूसरा टर्म, ये हो गया, ये हमारा 2 टर्म का हो गया। प्लस अगर 3z कर दूं तो ये क्या कह रहेगा? तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायर दे दूं, ठीक है, इसको y दे दूं, प्लस 4 कर दूं, तो ये हो जाएगा 3-4 टर्म हो गया। तो ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती है। तो कभी भी कोई वेरिएबल है साथ में, कोई नंबर साथ में है, और उसके प्लस माइनस ऐसे कुछ तो बन रहे हैं इक्वेशंस, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसको भी देख लो। तो जैसे 3x भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x प्लस 1 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 4y, अनगिनत ऐसे हो सकते हैं। तो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पहला प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस है कि कौन कौन से टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो जनरल तौर पे देखा जाए कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये चीज को समझ के ले लो। अगर आप समझ जाओगे तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए इजी हो जाएगा, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में कराने वाला हूं। तो यहां पे आप देखो, ध्यान से देखना। तो पहला है मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है कि अगर सिंगल टर्म है, टर्म मतलब क्या होता है? term, टर्म, ठीक है। सिंगल टर्म मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर अकेला भी है तो भी ये सिंगल टर्म कहलाएगा, अगर कोई वेरिएबल ए से लेके जेड तक का कोई अल्फाबेट अकेला है तो वो भी सिंगल टर्म कहलाएगा, और अगर कोई नंबर और वेरिएबल साथ में है, जैसे कि 3x मैंने बताया था, तो वो भी एक सिंगल टर्म ही कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मोनोमियल का मतलब, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल टर्म अगर उसमें है, जैसे 2x हो गया, 2 हो गया, कोई चीज अपॉन में भी आ गया, कोई चीज जैसे स्क्वायर में भी रहेगा, जैसे मान लो 5x स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर में है, क्यूब में है, लेकिन वो एक सिंगल टर्म है, उसके साथ कोई प्लस और माइनस नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। वही अगर दूसरी बात करें, बायनोमियल। तो बाय मतलब होता है 2, मतलब इसके अंदर कितने टर्म रहेंगे? 2 टर्म रहेंगे। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बायनोमियल मतलब 2 टर्म। जैसे ये 3x एक टर्म, माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y, 2 टर्म आ गए इसके अंदर, 2l प्लस 2b, तो 2l है,
प्लस टू भी है, मतलब दो टर्म है इसके अंदर, थ्री एक्स स्क्वायर वाई ये एक टर्म हुआ, माइनस टू एक्स वाई ये दो टर्म हुआ, तो एक टर्म और दो टर्म, मतलब अगर कहीं पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो टर्म देखने मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है बायनोमियल। समझ में आ गया। तीसरा चीज वो है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, इसके अंदर कितने टर्म रहेंगे, तीन टर्म रहेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, फिर प्लस हो रहा है एक और टर्म के साथ 3x, फिर माइनस हो रहा है 6 के साथ, तो इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, मतलब टोटल तीन टर्म है जिसमें कुछ प्लस माइनस जो भी है वो हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है कहीं पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें तीन अलग अलग टर्म दिखाई दे रहे हैं प्लस माइनस होते हुए, तो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल कहा जाता है। एक और एग्जांपल है 8a क्यूब, ये एक टर्म हो गया, माइनस 3b स्क्वायर दूसरा टर्म, प्लस c ये तीसरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और वैसे चौथा होता है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल का मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, तो अगर तीन से ज्यादा है या फिर चार बोल सकते हैं इन शॉर्ट, जैसे मोनोमियल हो गया एक टर्म, बायनोमियल हो गया दो टर्म, ट्राइनोमियल हो गया तीन टर्म, वैसे पॉलीनोमियल को मैं बोलूंगा चार टर्म है अगर या फिर चार से ज्यादा भी है तो हम लोग पॉलीनोमियल ही बोलते हैं उसको। तो यहां पे आप देखोगे तो ये एक टर्म एक्स रेज टू फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये दूसरा टर्म प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, तो यहां पे टोटल कितने टर्म हो गए, चार टर्म हो गए, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पॉलीनोमियल। वैसे यहां पे एक टर्म वाई क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस थ्री, टोटल कितने टर्म है, यहां पे चार टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉलीनोमियल। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। चलते हैं सीधा सीधा आपके प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और फटाफट से कंप्लीट करते हैं। काफी छोटा सा है, बस आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 32, ये इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है, बहुत इजी है वैसे, ठीक है ना, चुटकी बजाते कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लासीफाई फॉलोइंग द मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल। यहां पे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, सात आठ क्वेश्चन है, उसमें से आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल है। बहुत इजी है, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, चलो ध्यान देना, 7x दिया है, तो बताओ क्या है ये तो भाई मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। ये क्या है, दो टर्म 5y माइनस 7z, ठीक है 5y माइनस 7z, तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म है, मतलब ये बायनोमियल कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल। फिर तीसरे पे चलते हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, तो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, टोटल टर्म कितने, तीन टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। खत्म कहानी, कितना इजी, आप देखो, मतलब मैं आंखें बंद करूं और फिर भी देख, बिना देखे लिखूं तो भी मैं कर पाऊंगा, मजाक कर रहा हूं, आंखें बंद करके मत करना, मार्क्स नहीं मिलता है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना इजी है इसका। देखो अगला, 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7s क्यूब, तो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये चार टर्म, सबके बीच में माइनस माइनस लिखा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे चार टर्म है, तो ये कहलाएगा पॉलीनोमियल। तो ये क्या है, इट इज अ पॉलीनोमियल, ये क्या है बच्चा, पॉलीनोमियल। वैसे इसको देखो, 5m माइनस 3, 5m एक टर्म हो गया माइनस, फिर 3 एक टर्म हो गया, मतलब दो टर्म दिया है, मतलब ये क्या है, बायनोमियल। बताओ यार, इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या, मुझे कॉमेंट करके बताओ। मैं क्या ही कर सकता हूँ आपके लिए, यही कर सकता था जो आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब कंसेप्ट एक बार समझ में आता है ना बच्चा, तो दुनिया का कोई ताकत आपको सॉल्व करने से रोक नहीं सकता, बिकॉज द कंसेप्ट इज एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अभी से नहीं बोल रहा हूं, आप शायद मुझे चार साल पहले भी अगर देखते थे जो हमने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस बना रखे हैं, ये तो हमारा दूसरा बैच है, इसमें हम दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले के वीडियोस भी आपने देखे होंगे, उस टाइम पे भी, तीन चार साल पहले के वीडियोस में भी आप देखोगे हमारे, उसमें भी मैं एक ही बात बोलता था कि बच्चा अगर मैथ सब्जेक्ट में एकदम टॉपर बनना है आपको, तो उसका कंसेप्ट समझ लेना कि उस चीज को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया, कहीं पे भी काउंट करो भाई, टर्म एक है मोनोमियल है, दो टर्म है बायनोमियल है, तीन टर्म है ट्राइनोमियल है, चार टर्म है पॉलीनोमियल, तो अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है कहीं पे भी, तो आप लिख सकते हो, तो आप देख सकते हो कितने इजी होते हैं। इसके आगे के जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब आगे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे, जब अगला लेक्चर लेके आऊंगा, उसका अगला लेक्चर लेके आऊंगा, तो हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दो टर्म को बस ऐड करना होता है उसमें, बस आपको कंसेप्ट बता दूंगा समझ में आ जाएगा, दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कंसेप्ट बता दूंगा समझ में आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगला टर्म क्या बोल रहा है, ए, अब ए बेचारा अकेला ही है, तो अकेला होगा, अकेला होगा तो मतलब सिंगल है, तो ये क्या है, मोनोमियल है, ये क्या है बच्चा, मोनोमियल। वैसे ये क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, क्या कहलाएगा, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। खत्म कहानी, बस यही क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने सभी चीज करा दी। अगर एक हाथ जो मैंने किया है 6 के बाद 8 लिखा है, तो वो आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, 4 क्या है, मोनोमियल है। खत्म कहानी। तो ये जो चीज़ें हैं जो इतनी आसानी से हमने बता दी है, यही था इस प्रैक्टिस सेट में, काफ़ी
मामूली सा छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आगे के प्रैक्टिस सेट में और मजा आएगा क्योंकि उसमें एक्चुअल में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। बट आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सही हाथों तक पहुंच सके, जो हमारा सपना है हर एक बच्चे तक पहुंचने का, ये सभी लोग देख के अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड